हेलो 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 दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। एंड अभी किड शॉट ने अपना फ्री स्टाइल ड्रॉप कर दिया है, नाम है फ्लेवर्स फ्री स्टाइल एंड ऑफिशियल वीडियो के साथ करा है। एंड जो इससे पहले एक रेसिपी फ्री स्टाइल आया था, भाई क्या टाइट था। तो लेट्स सी भाई इसमें क्या बात हो रही है। रिटन एंड परफॉर्म बाय किड शॉट, प्रोड्यूस बाय एनाबॉलिक बीट्स आई गेस ना, जो भाई जो यूट्यूब पे फ्री बीट्स डालते हैं अपना भाई। एंड मिक्स एंड मास्टर्ड बाय केंजी डिस्टोबॉट, अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूँ तो आई एम रियली सॉरी। तो भाई लेट्स सी क्या बात हो रही है, कैसा फ्री स्टाइल है, म्यूजिक वीडियो के साथ आया है। एंड इसकी किडशॉट भाई काफ़ी हाइप बना रहे थे कि लिरिसिज्म बहुत टॉप नॉच होगा, तो भाई वैसे वो तो वैसे हमेशा से ही होता है किडशॉट के गानों में। तो लेट्स सी भाई क्या बात हो रही है, बिना किसी देर के लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग एंड लेट्स सी व्हाट ही हैज़ टू से, लेट्स गो। लगता करता हूँ टेढ़ी मेढ़ी सी बातें, जो रहन सहन में बांटे वो पहले जहन में आते मेरे, जो पैसे खाते वो पैसे मैं डालूं खाते में, फैसले करने आगे के कैसे मैं तोड़ूं वादे। So, बिना किसी देरी के सीधे घुसते हैं फ्री स्टाइल पे, गाने पे जो बोलना है बोलो। फ्लेवर्स फ्री स्टाइल बाय किड शॉट, लेट्स गेट इट। व्हाट अप, आई एम बैक। काफी फंकी टाइप बीट लग रही है। मैं उठ के निकला घर से, लेके जेब में चर से, फिर होता बेक में डर के, वो कहते क्राइम ये करके, पर लड़के क्राइम ये कैसे, जब होता पी के खुश है लेके जाते मुझको दूर तुम लोगों से जो देते। भाई द बीट, पहले तो भाई अभी लिरिक्स पे बात पे आते हैं। काफी फंकी जापानीज टाइप वाइब दे रही है बीट। एनाबॉलिक बीट्स ज्यादातर ऐसी टाइप की बीट सुनाता भाई। व्हाट अप, आई एम बैक। क्रॉप्स, लेट्स गो। ऐसे आया है काफी। मैं उठ के निकला घर से, लेके जेब में चर से, फिर होता बेक में डर के, वो कहते क्राइम ये करके, पर लड़के क्राइम ये कैसे, जब होता पी के खुश है लेके जाते मुझको दूर तुम लोगों से जो देते, दुख में बेसिक हूँ नहीं छोटे में बेस्ट में नहीं। भाई रुको, पहले तो क्राइम की बात हो रही थी, फिर क्राइम के बाद ये लोग मेरे को दूर लेके जाते तुमसे, देके तुम्हें दुख। What? फिर होता बेक में डर के, वो कहते क्राइम ये करके, पर लड़के क्राइम ये कैसे, जब होता पी के खुश है लेके जाते मुझको दूर तुम। ओके तो बोल रहे हैं ये क्राइम है, लेकिन ये क्राइम कैसे, मैं तो पी के खुश होता हूँ, एंड फिर ये लेके जाते मुझको दूर तुम लोगों से और जो देते दुख। भाई किसकी बात हो रही है, भाई किसकी बात हो रही है। शुरुआत ही भाई कि निकला घर से लेके जेब में चर से, ओके लेके जाते मुझको लोगों से जो देते दुख में बेसिक हूं नहीं छोटे में बेस्ट में नेक्स्ट ले तू तोल छोटे हम बजाते थे गाने स्कूलों में भी। कौन बोल रहा है भाई, किड शॉट बेसिक है, कौन बोल रहा है, आ जाओ भाई। बेसिक हूँ नहीं छोटे में बेस्ट में नेक्स्ट ले तू तोल छोटे हम बजाते थे गाने स्कूलों में पीछे बेंचों पे, पहला शो किया था मैंने कुछ लाला 150 में, अब कुछ सालों में मैं चार्ज करूँ लाखों में, लाखों है तेरे जैसे मेरे। दिस इज द हसल ग्राइंड दैट हैज पेड ऑफ भाई, हमेशा बोलते हैं भाई पहले 150 से स्टार्ट करा, पहले तो फ्री में काम करते थे, एंड अब लाख करे चार्ज एक शो का, कम ऑन। जैसा एक पिनी एक्स करे टेक्स्ट शो मैं करूं कभी चेक ही नहीं, खाली होता लेट ही नहीं जाता मैं उस डेट पे नहीं, वीडियो गई वायरल कंटेंट से कोई क्लिकबेट से नहीं, गेम ओवर छोटी। तो उससे पहले की लाइन थी, पहले तो क्लिकबेट वाली की कंटेंट में दम था, कोई क्लिकबेट कैची वगैरह ऐसे करके ओवरनाइट फेम वगैरह नहीं है, सब मेहनत का है, कंटेंट में दम था तभी लोगों ने सुना है। एंड खाली होता लेट नहीं जाता मैं उस डेट पे नहीं, इससे पहले एक्स की बात करी थी ना कुछ, उस डेट पे नहीं, वीडियो गई वायरल कंटेंट से कोई क्लिकबेट से नहीं, गेम ओवर छोटे तेरा प्लान बोगस, गोवा में टैन होकर जाना मुझे वैनकूवर, करूं ब्लैक उबर बाजू में भी, गोवा में टैन होकर बिल्कुल बीच बीच में मस्त मजे वगैरह करके जाना मुझे वैनकूवर। वैनकूवर में आई गेस बहुत सारे टैन सलूनस है ना, मैंने जितना सुना है। वर करूं ब्लैक उबर बाजू में बिठाऊं ब्लैक कुगर, करूं लीक डाल के क्रीम शुगर हुआ इंटरवल, व्हाट द फक, ब्लैक कुगर करू ब्लैक उबर बाजू में बैठा ब्लैक कूगर, तू मैं बिठाऊ ब्लैक कूगर, करू लीक डाल के क्रीम शुगर हुआ इंटरवल, किसू में हरा लेकिन हूं मैं बड़े पिंक लवर, तू मेरे साथ अभी किसू में हरा हरा बेसिकली मैरिजुआना लेकिन हूं मैं पिंक लवर, कम ऑन। एंड उससे पहले क्रीम डाल के लिख कर रहे हैं भाई, क्या नजर। यू वन सीन ब्रदर, यू वन सीन फकर, खुद तेरी कबर ना कोई कदर, बंदा हूं मैं कादर, ये सब मिली भगत, वो हो गई खुश जब मैं लेके गया रब। भाई भाई बहुत सारी चीजें मेरे सिर के ऊपर से आ रही है यहाँ पे, कदर कादर बहुत उससे वर्ड प्ले करा है, ना कोई कदर बंदा हूं मैं कादर, व्हाट डस कादर मीन, हैज कादर गॉट समथिंग टू डू विद भगत, है क्या कोई वर्ड, आई डोंट नो। इन फकर खुद तेरी कब्र ना कोई कदर, बंदा हूं मैं कादर, ये सब मिली भगत, वो हो गई खुश जब मैं लेके गया रबर पर, वो रबर था मिटाने पास्ट और सारे मेरे फक अप्स में आया मेरे। भाई किड शॉट की पंचलाइंस क्या होती हैं यार, क्या फ्लिप करता है, पहले वो मैं लेके गया रबर वो हो गई खुश, तो रबर को हमने क्या इंटरप्रेट करा है सभी को पता है, लेकिन वो रबर नहीं बात कर रहे हैं, वो रेजर की बात कर रहे हैं, मैं मिटाने के लिए
जब मैं लेके गया रबर पर वो रबर था मिटाने पास्ट और सारे मेरे फक अप में आया तेरे घर पे देने को खाली दस्तक तू भागा वहां से जैसे मैं हूं कोई तेरा दुश्मन आई एम द ड्रीम तू विजिट अभी या पूरी है टीम है मंजिल अब दूर नहीं मैं करूं ना लीन मैं करूं जो भी है मेरे उसूल सही पर प्रिंसिप शॉट कितना इजीली कर देता है भाई ऐसा फ्लो इतनी क्लीन डिलीवरी के साथ इतना स्मूथली बीट पर रोल कर देता है ना क्रिट शॉट ये फ्लो लोग भाई लोग फंबल कर जाते हैं यहां पे विजिटर बी दी तक तू भागा वहां से जैसे मैं हूं कोई तेरा दुश्मन आई एम लिविंग द ड्रीम तू विजिट अभी या पूरी है टीम है मंजिल अब दूर नहीं मैं करूं ना लीन मैं करूं जो भी है मेरे उसूल सही पर प्रिंसिपल अलग ये स्कूल नहीं मैं भूल नहीं सकता जब तू बक मेरे उसूल ये है लेकिन मेरे प्रिंसिपल उसूल मतलब बेसिकली एथिक्स होता है आई गेस लेकिन मेरे प्रिंसिपल्स अलग है एंड फिर उस प्रिंसिपल को उसने स्कूल वाले प्रिंसिपल से कनेक्ट कर दिया भाई मैं करूं जो भी है मेरे उसूल सही पर प्रिंसिपल अलग ये स्कूल नहीं मैं भूल नहीं सकता जब तू बकता है लगता फूल कभी पर लेके जा फूल कभी तेरी माँ धूल नहीं होके बड़ा घर को तू अवॉइड कर ये कोई रूल नहीं तू कोई मासूम नहीं मेरे गानों पर तू पैट स्क्रीनशॉट की अभी मैं कल ही बुरी सुन रहा था तो उसमें एक लाइन थी कि अगर वो मेरे को मेरे माँ से अलग करेगी तो मैं शादी नहीं करूँगा तो यहाँ पे भी उसी टाइप की घर वालों की बात करी है कि लेके जा फूल तेरी माँ कोई धूल नहीं है ब्रो कम ऑन एंड तू बड़ा हो गया है क्या था होके बड़ा घर को तू अवॉइड करे ये कोई रूल नहीं दैट्स अ फैक्ट बड़ा घर को तू अवॉइड करिए कोई रूल नहीं तू कोई मासूम नहीं मेरे गानों पर तू झूम नहीं तेरी रेंज लड़की कर गई छुल तक की फक सारे टेंस थे मेरे में जरा पोटेंशियल थी प्लान सारे मैंने कैंसिल कर छुल तक की फक घर वाले सारे टेंस थे मेरे में जरा पोटेंशियल थी प्लान सारे मैंने कैंसिल करके जान डाला सारा पेंसिल पे किस डाले मैंने लिख लिख के ना सारी चीज छोड़ के मैंने फोकस डाला अपना राइटिंग पे अपना करियर पे रैप पे कि राइटिंग पे पेंसिल पे फोकस डाला लिख लिख के मैंने बदली तकदीर टेंशन थी प्लान सारे मैंने कैंसिल करके जान डाला सारा पेंसिल पे किस डाले मैंने लिख लिख के ना जीव में टेंशन पेपर सपने देखूं मैं मेंशन के मैं बड़ा बिना तेरे मेंशन के जरा अटेंशन दे ये स्मॉल होमोफोन्स खेल लेते ना मेंशन मेंशन इजी कर लेता है क्रिट शॉट के लिए कुछ भी नहीं है जीव में टेंशन पेपर सपने देखूं मैं मेंशन के मैं बड़ा बिना तेरे मेंशन के जरा अटेंशन दे ये सोची तेरी स्टैग्नेंट में तोड़ के बेटे हड्डी तेरी छोड़ दूं बॉडी बैग में बस दिखे पुसी करे बीफ व्हाट इज हैपनिंग तेरे व्यूज ज्यादा पर लिरिक्स कम ले ले तू ब्लैक में जैसे करूं अटैक में हूं जानवर तू लोग बात करते फेक व्यूज की यहां पे बोल रहा नहीं भाई तेरे व्यूज ज्यादा है लेकिन तेरे लिरिक्स में दम ही नहीं है उसको तू ब्लैक में ले ले ब्रो मार दोनों ही रहे लेकिन फर्क है दोनों में तू वरुण की झलक है क्योंकि लाला तू कलंक में कार्निवोरस तू कोरोना वायरस थोड़ा फर्क है तू वरुण की झलक है क्योंकि लाला तू कलंक है मैं असल कुली नंबर वन जैसे बोझ मेरे बदन पे वरुण मैंने कहा वरुण कौन है वरुण वरुण धवन कुली नंबर वन एंड उससे पहले कुछ रुको उससे पहले क्या था तू जैसे झलक झलक कोई मूवी है क्या कलंक है या फिर कोई पता नहीं भाई यहाँ पे बहुत सारे मैं बॉलीवुड वगैरह नहीं देखता कुली नंबर वन तो थोड़ा बहुत पता है भाई मैंने देखी नहीं है लेकिन बहुत हेट मिल रहा था तो नाम पता है मेरे को उसका तो वरुण धवन है तो कलंक है और मैं जैसे कुली नंबर वन सारा बोझ मेरे बदन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वैसे कंपेयर करा है मैं असल कुली नंबर वन जैसे बोझ मेरे बदन पे ना तेरे में दम तू बेटे बदम मैं करूँ ना फन मैं करूँ खत्म मैं तेरा हूँ गुरु तू चूले चरण मैं कभी ना भूलूं जो मेरे जख्म मैं तुझे ना सुनूं मैं सुनूं निगम मैं खुशी को लूटूं और दे दूंगा गम में सुनू निगम तेरे को नहीं सुनता हूँ मैं आई लिसन टू द लेजेंड्स कम ऑन ब्रो एंड इससे पहले भी कि मैं तेरा गुरु छोले चरण एंड ये फ्लो कितना इजी से कर रहा है भाई अपना कम ऑन ब्रो किट शॉट भाई इतनी क्लीन डिलीवरी कैसे रख सकता है भाई किट शॉट और इसके हाइप अप वाले गाने भी है ये उसके बाद जब लोफाई जोन में जाता है पोएट्री में जाता है तब किल कर देता है दूर सुन लो अभी जो वो आया था रिमिक्स आया था उसका टेंटेशन के कौन से गाने का मैं नाम भूल रहा हूँ उसमें भी किल करता है भाई इट्स शॉट ब्रो अंडररेटेड टैलेंट है मैं असल कुली नंबर वन जैसे बोझ मेरे बदन पे ना तेरे में दम तू बेटे बदम मैं करूँ ना फन मैं करूँ खत्म मैं तेरा हूँ गुरु तू चूले चरण मैं कभी ना भूलू जो मेरे जख्म मैं तुझे ना सुनूं मैं सुनूं निगम मैं खुशी को लूटूं और दे दूंगा गम मैं तुझे ना मिलूं ना तू है पसंद मैं तुझे चबा के तू कुछ ऐसे गम मेरे लेबल को शाउट आउट पर सोनी म्यूजिक वाले रुके फॉर व्हेन आई एम आउट मुश्किल है बट इफ थिंग्स को मेरे लेबल को शॉट आउट सोनी म्यूजिक वाले रुके व्हेन आई एम आउट फॉर रियल
तो मतलब अभी मास अपील से साइंड है, तो लेकिन अगर मैं वहीं से निकलता हूँ तो सोनी म्यूजिक वाले देख रहे हैं मेरे को साइन करने के लिए, इट्स रियल फॉर रियल क्योंकि वहाँ पे वाले रुके फॉर व्हेन आई एम आउट मुश्किल है बट इफ थिंग्स गो रॉन्ग एंड आई एम आउट मुझे चाहिए पेंस टू लैटिन चेक और एक हाउस डाउन ये प्रोबब और मेरे नाउन मैंने डाली अब एक एल्बम फिर दूसरी करू अनाउंस मेरे बंदी की उम्र है 28 निकाले ब्लाउज पर वो करती पिस मुझको जब सेल्फी में करे पाउट फक दैट कल की बात है मैं पी रहा था बहुत 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 सेम चीजें बोल रहे हैं भाई कि वो सेल्फी में पाउट करती है ब्रो यार क्या है क्या लगता है भाई ऐसे हम वहां बिल्कुल अपने हार्ड बनने की कुल ऐसे मैन जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहे हैं वहां पाउट आता है तो करती पिस मुझको जब सेल्फी में करे पाउट फक दैट कल की बात है मैं पी रहा था लाइट लाइट तेरी बहन को देखा टिंडर पे कर दिया राइट स्वाइप हुए फट से मैच एक्शन पैक हुई वो नाइट नाइट खेला बॉक्सिंग बैट पे साथ में उसके बुलाती माइक टाइस फिर बोलने वाला था उससे मैं भाई यार बीच में ही स्टोरी टेलिंग क्यों कर तेरी बहन को मिला मैं टिंडर पे करा राइट स्वाइप फिर उसके बाद सीधे एक्शन नाइट नाइट और फिर क्या बॉक्सिंग मैच माइक टाइस बॉक्सिंग मैच बेड पे माइक टाइस समझाने की जरूरत नहीं है ब्रो ये तो तुम्हें जरूरत से आसान बेड पे साथ में उसके बुलाती माइक टाइस फिर बोलने वाला था उससे मैं नहीं भाई नहीं 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 ये वीडियो में डाला है भाई नहीं कटेगा एक बार मेरा ये कट चुका है ना उसके बाद से मैं हर बार देखता हूँ कि यहाँ पे टाइमर मूव हो रहा है नहीं हो रहा है भाई नहीं कटेगा इस बार ये वीडियो में ही डाला है भाई ने कुछ सबटाइटल्स डाल के थक गया ब्रो नेक्स्ट गाना कोला कोला टू टाइप कर लिखना पड़ेगा लॉल तो ओवरऑल ट्रैक की बात करें तो भाई जो बीट थी काफी फंकी थी एंड उसी टाइप की जो कैची डिलीवरी रखी थी किड शॉट ने पूरे गाने में एंड उसके बाद जो पंच लाइन्स मारा था फिर किड शॉट उसके बाद जो छोटे छोटे वर्ड प्लेस थे वो काफी टाइट था एंड या फ्लोज भी बीच बीच में जो चेंज हो रहे थे बीच में हल्का हल्का चौपी जा रहा था वो जो खेल रहा था अपने फ्लोज से वो भी काफी बढ़िया लगा मेरे को एंड या पूरा फोकस तो लिरिक्स पे था इसलिए मैं वीडियो ज्यादा देख नहीं पाया तो लेकिन वीडियो मेरे को सही लगी थी जितना भी देखा मैंने जो शुरुआत में मास्किंग वगैरह भी आई थी एंड काफी विंटेज टाइप वाइब दे रही थी वीडियो से मेरे को एंड अगर रेसिपी फ्री स्टाइल से कंपेयर करें वैसे कंपेयर करना तो नहीं चाहिए लेकिन आई पिक रेसिपी फ्री स्टाइल ओवर क्योंकि उसमें मतलब एक फील है यार एक इमोशन बस चुकी है मेरे अंदर उसके लिए एंड या दैट्स माय पर्सनल चॉइस वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए दोनों ही काफ़ी डिफरेंट जोन में डिफरेंट वाइब में एंड या ये काफ़ी फंकी काफ़ी स्पूकी सी पंच लाइन थी तो वो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी एंड आई गेस ये एनाबॉलिक बीट्स ही है ना भाई क्या पता कोई और प्रोड्यूसर हो अगर मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ तो भाई आई एम रियली सॉरी आई गेस ये एनाबॉलिक बीट्स है तो फिर उसी के चैनल से ली होगी बीट एंड मिक्सर काम भी मेरे को काफ़ी सही लगा लेकिन भाई किड शॉट की जो डिलीवरी है ना भाई लगता ही नहीं ऐसा लगता है भाई पहले से ही मिक्स होके आती है भाई एंड ओवरऑल काफी मेरे को सही ट्रैक लगा इन माय पर्सनल ओपिनियन सो या दिस वाज माय रिव्यू माय फीडबैक माय ओपिनियंस ऑन द ट्रैक तुम भी अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो अपने रिव्यू दे सकते हो अपने फीडबैक दे सकते हो सबके ओपिनियन की रिस्पेक्ट होती है सिंपल सा सीन है यहाँ पे एंड या ये थी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना पसंद नहीं आई है तो यू कैन डेफिनेटली डिसलाइक चैनल का कॉन्टेंट पसंद है तो देख सकते हो पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करना बहुत सारी वीडियोज पड़ी है ब्लॉग्स फन वीडियोज रिव्यूज कॉमेंट्री वीडियोस बहुत सारी चीजें देख सकते हो पसंद है तभी सब्सक्राइब करना एंड इंस्टा हाँ एंड इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो आईडी का नाम है electricric_99 वहां पे आ जाओ वहां पे चिल करते हैं सेशन वगैरह लेते रहते हैं बातें भी करते रहते हैं सारी चीज होती रहती है लेकिन मेन चीज है 500 फॉलोअर करने हैं अपने ठीक है तो वहां पे फॉलो कर लो तो यार दिस वॉज फॉर द वीडियो तो मिलते हैं तुम्हें अगली वीडियो में ब्रो तब तक लिया बाय पीस दे आउट लेट्स गो फैले जाते हैं प्यादे क्यों भूले मोल तू पहने मेरे जूते पर ना होगी उसमें सोल हाँ जब से आया सामने बदला है भूगोल तुझे जाना मेरे आगे तो भरेगा तू भी टोल क्योंकि